हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सियप्पा क्वीन हनी। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने फेस पर अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी क्रीम नहीं, बस डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो गाइस, आज मैं एक ऐसा फेशियल मास्क लेके आई हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है आपकी स्किन को। आपकी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशंस आपके लिप्स के बगल में या फिर नोज़ के बगल में हो जाते हैं, उसको वो रिमूव करने में कम्प्लीटली हेल्प करेगा। पर या गाइस कि ये नेचुरल है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक पटेटो लिया है, उसके जितने भी छिलके थे उसको मैंने पिल ऑफ कर दिया है। ये जो पटेटो मैंने लिया है उसका हम लोग पेस्ट बनाने वाले हैं, तो इसके साथ साथ मैं आपको इसका बेनिफिट भी बताती हूँ। पटेटो में विटामिन सी पाया जाता है एंड ये आपकी स्किन से जितनी भी टैनिंग या हाइपर पिगमेंटेशन हो चुकी है उसे वो रिमूव करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे हमने पटेटो का पेस्ट बना लिया है, अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें लगेगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या यूज़ करना है। बट यार गाइस, ये जो पेस्ट है उससे आपको वन यूज़ में ही डिफरेंस दिखाई देगा, कि मैं खुद भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसके बाद एक चम्मच रोज़ वाटर लेंगे और इसको इस पर मिला देंगे। उसके बाद हम लोग एक टीस्पून हनी लेंगे और इसे भी हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो मास्क है वो आपका थोड़ा वाटरी टाइप बनेगा, पानी जैसा, क्योंकि जो आलू होता है उसमें बहुत सारा वाटर पहले से ही मौजूद होता है। एंड हाँ, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसमें लेमन ज़रूर मिलाएं, ये आपको अलग से बेनिफिट देगा। अगर मेरा वीडियो आपको इतू सा भी पसंद आए ना तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा पेस्ट अब रेडी हो चुका है, तो अब हम लोग इसे अपने फेस पर लगाते हैं और वीडियो का एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगी कैसे इसे लगाना है अपने फेस पर। मैं अब इसे अपने फेस पर लगाने जा रही हूँ। पर या गाइस, आप याद रखना कि अगर आप कुछ भी लगाओ अपने फेस पर तो उसे रब नहीं करना है कभी भी। हल्के हाथों से लगाएंगे और अपने आँखों के नीचे आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम और पफी आइज की प्रॉब्लम हो जाती होगी। एंड हाँ, आपको लिप्स के बगल में भी लगाना है। के बाद जब ये सूख जाएगा तो हम लोग इसका सेकंड कोट लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि ये वाटरी टाइप है, लिक्विड लिक्विड। तो इसे लगाते हैं अब अपने फेस पर। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ताकि आप देखें कि मैंने इसका सेकंड कोट भी लगा लिया है। एंड अब मैं इसका सूखने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे 15 मिनट या फिर 20 मिनट अपने चेहरे पर छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। बट आपको कोई भी फेस वॉश नहीं लेना है, आपको सिर्फ सिंपल वाटर से वॉश करना है। फिर आधे घंटे के बाद आप कोई भी फेस वॉश से अपना वॉश कर ले फेस, उसके बाद फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा ले अपने फेस पर। तो ये हमारा ड्राई हो चुका है फेस, अब मैं जा रही हूँ अपने फेस को वॉश करने के लिए। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। नहीं, मैं अपने फेस को वॉश करके, वाह कितना अच्छा लुक है ना, स्किन कितनी शाइनी और कितनी ग्लोइंग बन गई है। मैं खुद भी इसे रिजल्ट से हैरान हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया और फर्स्ट टाइम में रिजल्ट दिखा, मैं इसे 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। अभी भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार वीक में ज़रूर लगाएं, आपकी स्किन सच में ग्लोइंग बनेगी, ब्राइटर बनेगी, आपकी स्किन से पिगमेंटेशन हट जाएगा।